सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पलाम और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी पिथौरागढ़ से हो रही है और अभी बज रखे हैं 9:20, 9:20 हो रखे हैं और खाना हमारा हो गया है और इतने सारे बर्तन धोए मैंने अभी, क्योंकि कल से पानी नहीं है, दिन में से पानी गया हुआ है, आज तक तो हुआ नहीं यहाँ, तो आज हो रखे हैं क्योंकि एक टैंकी है और हम और बगल में वाली है तो दो जने हुए, तो ख़त्म हो गया था पानी, तो थोड़ा फिर वो वाला पानी आया था पीने वाला तो वो भरा और अभी बर्तन धो रही। अभी और कितने बर्तन हो गए हैं नीचे, और ना मैं नीचे पे धो रही हूँ, नीचे पे भी धोने वाला है तो मैं नीचे पे धो रही हूँ क्योंकि खड़े खड़े ऐसा हो रहा है ना, पित्त लग रही है। और ये देखो पूरा गीला हो रखा है नीचे अभी फर्श, क्योंकि बर्तन धोए ना उस वजह से गंदा भी हो रहा है तो इसको भी साफ़ करना है। मैंने सोचा आज पूरा किचन की सफाई करेंगे, आज करूँगी करके सोचा था, मैंने बोला पानी होगा तो कहाँ पानी नहीं आया, तो नॉर्मली कर रही हूँ। अभी मैंने गैस वैस साफ़ करी है, अब इसको साफ़ कर रही हूँ और फिर बर्तन भी धोने हैं थोड़े बहुत, और हैं नीचे पे रखे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी साफ काम करते हैं। और बहन भी रेडी हो रही है, काव्या भी उसको चली गई है और बहन भी रेडी हो रही है, पता नहीं कहाँ है उस साइड को। मैंने चार्ज में लगा रखा है ना यार फोन। हेलो गो, हेलो गो। तो हाय हाँ, तो हाउ आर यू बोलिए आप लोगों से। और तो दोस्तों ये जा रही है कंप्यूटर क्लास और मैं बिस्तर इस्तर डाल के आती हूँ ऊपर। सबसे पहले मैं करती हूँ काम यहाँ का किचन का फटाफट। तो दगड़ियों अभी बजे हैं 12:30 और अब मैं जा रही हूँ कमरे में, और मैं आ गई थी ऊपर किचन का काम ख़त्म करके सीधे आ गई थी ऊपर, और कुछ कपड़े लेके आई अपने जो मैंने धूप में डाल रखे हैं यहाँ पे। और अभी तक फ़ोन आ गया था, कभी दीदी का आया, फिर हजबेंड जी का आ गया, फिर अम्मा भी बैठी थी मेरे साथ थोड़ी देर, और अम्मा चली गई है नीचे, अम्मा खाना बनाने गई है, तो अब मैं भी चलती हूँ खाना बनाती हूँ। और अम्मा ने गेहूँ डाल रखे हैं यहाँ पे, ये देखो, और धूप की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है और इतनी तगड़ी धूप आ रखी है ना, बता नहीं सकती भाई। मैं ना सुबह से यहीं पर हूँ और भयंकर ही धूप लग रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ। मौसम बिल्कुल साफ है और धूप बहुत अच्छी है, खिली खिली धूप है और मतलब ऐसी धूप रहे यही सोचती हूँ मैं तो, क्योंकि मुझे बारिश से बहुत डर है, ठंड से मुझे बहुत ठंडा बहुत गंदा लगता है क्योंकि ठंड में ना मेरे से काम नहीं होता है ये चीज़ है। और तो चलते हैं नीचे और उससे पहले आप लोगों को मौसम दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये देखो मौसम बिल्कुल साफ है, ये देखो बिल्कुल साफ मौसम है। तो दगड़ियों कमरे में आ चुके हैं और जल्दी जल्दी करते हैं काम, सब फैला फैला पड़ा है और आटा आटा भी उसमें डालना है जिसमें डालती हूँ मैं ये इसमें, ये और खाना भी बनाती हूँ जल्दी जल्दी। और दोस्तों ना एक बात बोलना चाह रही हूँ आपसे, आजकल ना मैं ब्लॉग बनाना भूल जा रही हूँ, बताइए। रात को भी मैं सो जा रही हूँ बिस्तर में और ये मेरे को याद नहीं रह रहा है, और जैसे सुबह गई थी छत में तो टाइम निकाल के मैं बना लेती थी ब्लॉग, बट मैं भूल गई ब्लॉग बनाना है करके, पता नहीं क्यों मैं भूल जा रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। तो दगड़ियो मेरा दाल भात पक चुका है, इसमें बन चुकी है मेरी दाल, इसमें बन चुका है भात, मतलब भात अभी बन नहीं रखा है मतलब मैंने। तो चलते हैं ऊपर और चूप छानते हैं आज भी, और आज हमें जाना है बर्थडे पार्टी में, तो बर्थडे पार्टी यहाँ बगल में है तो वहाँ जाना है। तो अब खाते हैं चूक, कल भी चूक खाया आज भी खा रहे हैं, बात पचने रहे हो और चूक खनी बटी गए यार हम, गजब है ना ये दोस्तों। ये देखो दोस्तों हमारा चूक, ये देखो ये बुक्कड़ के जैसे पैस गए हैं यहाँ पे दोनों के दोनों, और ये के थर्ड, चलो खाओ सबसे बड़ी बुक्कड़ तो है, मैं तुम्हारी वीडियो निकाल रही हूँ, खाओ खाओ ये देख रहे हो कौन है, इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे बैठी है ये दोस्तों।
इसको दिया है हमने ढक्कन में सी, वो इतनी बड़ी बेइज्जती, कल इसने थाली में खाया ना दोस्तों, इसलिए आज ना मैंने इसको इसमें नहीं दिया। खाओ, हम खा लेंगे। इतनी बड़ी बेइज्जती को बनाने दे, बनाने दे। तो खिला रहे हैं पांच के बर्थडे में, और ये कविता खिला रहे हैं, लगा रखे हैं इनके लड़के का आज बर्थडे है ये निक्कू का, और अभी आप लोगों को दिखाएंगे बर्थडे बॉय नंदिनी बर्थडे में। ये हमारी आटा गूंथ वाली पूरी, हमारी तो पूरी, ये देखो गूंथते जा रही है, इसमें फेंकते जा रही है, और ये कोई खेल लगी की करू हां डैश में लिया मुझे, और ये फसके मार दिए आप, ठीक है रे हो गए रे हो बर्थडे की लानी उन्हीं नोट बताओ बर्थडे हूं छोटा मैं दी बात मनु ये साल में मुझे बर्थडे है यार ये रो हार बांधने मन मनाई हां मनाई का अंशु जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक मतलब तू क्या उम्र के भी है उम्र के तो भी दूध लाइन है और खा बे इतनी जा रहा बड़ी कोई बताऊंगी ये पुरजी दे जो जी तले फिर जब तो गाड़ी में सभी लोग ये देखो पापड़ भी फूल ले हैं और ये खाते रह रही है यहां पे। अब अंदर जाती हूं एक बार ऋषि की मम्मी एक बार हेलो हाय हाय तो हाय न्यू पड़ोसी हेलो हेलो बर्थडे पार्टी चल रही है, टीका लगा रही है और मेरा चुकंदर ये ओ बर्थडे बॉय ये है बर्थडे बॉय थैंक यू मम्मी का है हाथ में पकड़ फिर बात कर ओए चिप्स चिप्स ही रख बैठी हो आरोन चिप्स ना ये रख दे ती हां दो तीन नीचे गिरा दी चिप्स राजी ना भी खा लो नो 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 ले रे भाई ना खाते हुए पापा बाबू मां हमारी बाबू नेल बात हेमा जी भी आ गए लात हूं बेलती है मैं हेमा जी भी आ गए आई तभी ब्लॉग की शुरुआत ही हुई पहले से बना दिया मैंने बर्थडे पार्टी यहाँ शुरू हो गई, हम बाहर ही बैठे हैं। मेरी लड़की माँ का हरुल जी को यहाँ काम देते हुए ये देखो क्या हो रहा है, भी काम रहा है कुछ नहीं रे प्लेट रख रही हूँ, क्या होता है ये पापड़ आपड़ पापड़ आपड़ ये रख रही है क्या लाई फिर डाला लाई कुटार दूंगी डाला से डाला को डाला खाता है रात तो दगड़ियों बर्थडे पार्टी हो गई है और मैं नए पड़ोसियों के साथ जुड़ चुकी हूँ यहाँ ये तो बता रही हूँ हेल्प कर रही हूँ और अब मैं भी चलती हूँ घर को। ये है ज्योति न्यू फ्रेंड एंड उमा दीदी अभी अंदर सपना रानी भी हमारी हाँ उसे भी जान पहचान लगानी है तो नए फ्रेंड बन चुके हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है फिर मैं यहाँ पे आ रखी हूँ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है उमा दी कौन लग रही बहुत बड़ी लग रही है बोलो हेलो बोलो हैप्पी बर्थडे बॉय है ये हेलो बोलो हेलो बोल दो हेलो बोल दो राम आएंगे जल्दी बोलो राम आएंगे चलो बोलो फिर जल्दी बताओ राम आएंगे बताओ कुछ जल्दी नहीं बोल रहा है ये देखो हम आग ताप रहे हैं दगड़ियो आग जैसे हाथ टहनी ना आ सकता था अभी तो फर्स्ट क्लास आग रात तक बज रहे हैं कद बज जो 9 बजने वाला है दोस्तों 9 और मैं इनके साथ एंजॉय कर रही हूँ अब थोड़ी देर में चलते हैं घर को।